मैं डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। प्यारे भाइयों बहनों, जैसे आपको पता है कि अब इलेक्शन शुरू हो चुका है दिल्ली का, और दिल्ली जो कहते हैं कि दिल वालों की होती है, लेकिन आज की डेट में दिल्ली बीजेपी की होगी के आम आदमी पार्टी की होगी। लेकिन ये बात पक्की है, ये दिल्ली किस जिसकी भी होगी, ये फ्यूचर के अंदर है, ये लोगों के वहाँ के लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन दिल्ली दिल वालों की थी, है और हमेशा रहेगी। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप सब हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे। इसके लिए हम सबसे पहले आपसे खेद व्यक्त करते हैं, क्योंकि हम ये चाहते थे कि वहाँ के लोगों की एग्जिट जो रिपोर्ट है, वो लोग क्या सोचते हैं इस इलेक्शन के बारे में हम आपको बताएं। और बजट के बाद जैसे ही बजट रिलीज हुआ, हम बजट के भी व्यूज लेना चाहते थे दिल्ली वालों से कि वो बजट के जो पेश हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके बारे में वो क्या सोचते हैं। इसके लिए मैं खुद, हम जो बात करते हैं अर्थ प्रकाश टीवी पूरे तथ्यों के साथ करेगा, और मैं खुद दिल्ली जाकर जो दिल्ली के एरिए हैं, जैसे जमुना पार एरिया है, शाहदरा है, सूर बस्ती है, सब्जी मंडी, चांदनी चौक, कुछ ऐसे एरियो में खुद जाकर लोगों के व्यूज हमने इकट्ठा किए, ताकि दिल्ली के लोग इन इलेक्शन को किस दृष्टि से देखते हैं। अब हम मौजूदा स्थिति के बारे में बात करेंगे। दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा का सवाल दिल्ली बन चुका है। दिल्ली फतेह करना उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि पिछले जो इलेक्शंस हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर, प्रत्येक राज्य में, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक पर्टिकुलर ग्राफ से नीचे जा रही है। और इस सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी आ रही है कि रिसेंटली ही भारतीय जनता पार्टी में जगत प्रकाश नड्डा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, अभी उनके पास बधाई देने वालों लोगों का तांता ही लगा हुआ था। उसके साथ ही उनकी अग्नि परीक्षा एक और शुरू हो चुकी है, दिल्ली इलेक्शन, उसके बाद वेस्ट बंगाल का इलेक्शन। अब इन सभी बातों को देखा जाए, अगर हम देखें नड्डा जी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में, एक ग्राउंड लेवल से उठा हुआ वो इंसान जिनका जन्म पटना में हुआ, और उन्होंने अपनी कर्मस्थली बनाई हिमाचल प्रदेश, और छात्र राजनीति से आगे बढ़े, और उसके बाद उन्होंने उस समय पर जब भारतीय जनता पार्टी पर एक हम कह सकते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में अपनी श्रेष्ठता को साबित किया। अब वो तथ्यों के साथ हम बता रहे हैं आपको, 1993 का इलेक्शन जब शांता कुमार जी जैसे दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन हार गए थे, उसी समय नड्डा जी ने इलेक्शन जीता और लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अंदर, और उन्होंने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। और उसके बाद हम जब आगे चले, उसके बाद नड्डा जी को बहुत जिम्मेदारी दी गई। धूमल गवर्नमेंट के समय में उनको मिनिस्टर बने, हेल्थ मिनिस्टर रहे, फॉरेस्ट मिनिस्टर रहे, इसके बाद उनका कारवा जिंदगी का आगे चलता रहा। और जैसे वो सेंटर में आए, अब बात हम यहाँ पर करेंगे सेंटर की, प्रधानमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना थी आयुष्मान भारत, उस समय नड्डा जी थे हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री, तो उन्होंने बड़ी ही एक सूझबूझ सुनियोजित तरीके से अपनी टीम के साथ मिलकर आयुष्मान भारत को हिंदुस्तान के अंदर इंप्लीमेंट किया, ये श्रेय उनको जाता है। और जब उसके बाद उनको यूपी के इलेक्शन का प्रभारी बनाया गया, यानी भारतीय जनता पार्टी ने जब जब नड्डा पर विश्वास जताया, नड्डा जी ने पूरी ही अपनी निष्ठा ईमानदारी से उसका उनको फल भी प्रदान दिया पार्टी को। अब हम बात करेंगे यूपी इलेक्शन में, यूपी इलेक्शन के इंचार्ज थे, और आपने देखा कि यूपी में योगी सरकार किस तरीके से आई। अब ये सारी बातें जो है अब देखते हैं दिल्ली के अंदर। अब हम बात करेंगे दिल्ली की, दिल्ली हिंदुस्तान का दिल, दिल्ली फतेह करना हर बादशाह का एक सपना होता था, दिल्ली वो जो हिंदुस्तान का भविष्य तय करती है, हर पॉलिटिशियन का सपना दिल्ली के संसद में बैठने का। आज हम सेंटर की बात नहीं करेंगे, लोकल इलेक्शंस की बात करेंगे दिल्ली में, और भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टी है आप यानी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के बारे में हम बात करेंगे, आम आदमी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अरविंद केजरीवाल, जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, और इसका जन्म हुआ अन्ना हजारे जी के आंदोलन के बाद आम आदमी पार्टी का, और उनका कंसेप्ट, अब हम बात करेंगे कंसेप्ट के ऊपर। जब हम लोगों के बीच में गए, ये हमारा चैनल, हम एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं, किसी भी पार्टी का फेवर नहीं कर रहा, हम सिर्फ वो बात बता रहे हैं जो वहाँ के लोगों ने हमें बताई, हम एक मैसेंजर हैं, वो हम अपने और दोस्त लोगों को भी बता रहे हैं। तो जब हमने उनसे बात की, लोगों से, अवाम के साथ, दिल्ली के अवाम के साथ, कि वो क्या सोचते हैं इस इलेक्शन के बारे में, लोगों ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी CAA NRC
नेशनल मुद्दे पर इलेक्शन लड़ रही है, लेकिन जो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की बात है, कल आपने वीडियो भी देखा होगा, सब देखा होगा, वो लोग स्थानीय मुद्दों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जैसे रोटी कपड़ा और मकान, तीन मूलभूत सेवाएं होती हैं हिंदू है अपने हर इंसान की जिंदगी की, उसके ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो दिल्ली वालों ने कहा कि हमें वो मुद्दे चाहिए जो हमारे से रिलेटेड हों, ये बहुत बड़ी बात है। और भारतीय जनता पार्टी को भी चाहिए कि नेशनल मुद्दों से नेशनल इलेक्शन जीते जाते हैं। अगर हम बात करें पुलवामा के समय में हिंदुस्तान की असेंबली का लोकसभा का इलेक्शन था, इसलिए वहां से सीटें आ गई। लेकिन अब हम पिछले 5 राज्यों के इलेक्शन गए हैं, उसके अंदर देखिए भारतीय जनता पार्टी वो परफॉर्मेंस नहीं क्रिएट कर सकी जो चाहिए थी, सरकार बनाने में बिल्कुल पिछड़ गई। उसका कारण यह है कि अगर हम नेशनल मुद्दों को स्टेट पर लेकर आते हैं तो स्टेट के लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। अब हरियाणा की बात करते हैं, 10 सीटें लोकसभा के अंदर आई, तो ऐसा 3-4 महीने में क्या हो गया कि हरियाणा की जो 75 पार कह रहे थे वो 40 पर आकर सिमट गई। इसका मतलब यह है कि लोगों ने, अवाम ने, हिंदुस्तान की अवाम ने नेशनल मुद्दों को उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया। और भारतीय जनता पार्टी को भी ये चाहिए कि अब उनको नेशनल मुद्दे, जो मौजूदा स्थिति है उसमें नेशनल मुद्दे ना लेकर दिल्ली वालों के लोगों के जो रोजमर्रा के मुद्दे हैं उनको आगर लेकर आए, ताकि अपने स्टैंड बताएं, ताकि लोगों को ये लगे कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है कंधा से कंधा मिलाकर। ये भारतीय जनता पार्टी को यहां पर अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना पड़ेगा। और आपकी बात है, आप आम आदमी पार्टी जनता से रिलेटेड काम कर रही है, और जब हमने यूथ से बात की, एक बात आपसे और बताएंगे, जब हमने यूथ से बात की, हमने ये सोचा कि जैसे बजट पेश हुआ है, बजट के बाद लोगों की बहुत धारणाएं शायद बदल जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति। हम उसके बाद दिल्ली गए, दिल्ली में लोगों ने जो एक बात कही, यहाँ पर देखना पड़ेगा आज का यूथ और आज का आवाम कितना अवेयर हो चुका है। यानी एक ठेले वाले को भी GDP के बारे में पता है। उन्होंने ये कहा कि GDP कि ग्रोथ रेट डाउन जारी है, और उन्होंने ये बताया कि जो 6.2-6.5 जितने आंकड़े आए हैं, लगभग अनुमानित आए हैं, वो साल के हमें 6 महीने के बाद का आंकड़ा कहाँ है। हमारी रोजी रोटी चली गई है, हमारे नौजवान बेरोजगार हो गए हैं। ये बहुत मुद्दे हैं जिसको BJP ने अभी तक छुआ नहीं है, इसको छूना बहुत जरूरी है इन इलेक्शनों में अगर सर्वाइव करना है। लेकिन ये अब सबसे भी बात है, जो नड्डा साहब की हम यहाँ पर बात करेंगे, नड्डा साहब और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर RSS का हम कह सकते हैं झंडे वाला है, और साथ में भारतीय जनता पार्टी का पूरा लाभ लश्कर, यानी हम कह सकते हैं पूरी सेना, सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के MP लीडर सभी दिल्ली में बैठे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से यहाँ पर कर्म कर रही है, लोगों के बीच में जा रही है, लेकिन जो लोगों को चाहिए वो उनको वो प्रदान करे, तभी यानी कुछ हो सकता है। रही बात आपकी बात, अब हम दूसरे खेमे में जा रहे हैं, और दूसरे खेमे के बाद जो लोगों के व्यूज हैं, लोग ये सोचते हैं कि ये दाद देनी पड़ेगी दिल्ली वालों की, दिल्ली वालों वालों के लोगों की, और जो यूथ की, कि वो एक एक पैनी दृष्टि बना के रखा हुआ उन्होंने, क्योंकि आजकल IT सेल का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, सारा यूथ, यहाँ तक मेट्रो के अंदर भी लोग लगे हैं, एक ही बात वो करें इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन कहाँ पर जाएगा दिल्ली के लिए। अब हम एक एक मुद्दे पर हम कंसंट्रेट करेंगे कि जैसे हम यूथ से पूछा, एक पर्टिकुलर यूथ की वोट होती है, और जो हमें लग रहा है ये अनुमान है, और लोगों के जो यूथ के विचार हैं कि भारतीय जनता पार्टी से साइड पर हो रही है यूथ की वोट, और जो मध्यम, जो गरीब दबका और मिडिल क्लास के बीच में जो कास्ट है वो भी हाथ से जा रही है, और जो पारंपरिक वोट है, एक कैडर वोट है, वो भारतीय जनता पार्टी को सर्वाइव कर रही है। और अब आप बात करें जो हमें लोगों से पूछा है क्या समीकरण हो सकते हैं, तो लोगों ने एक बहुत अच्छे सुझाव दिए। लोगों ने यह कहा कि अगर आम आदमी पार्टी 33 या 28 से ऊपर सीटें लेके जाती है तो उस कंडीशन के अंदर यहां पर भी जो 5 राज्यों में हुआ वो होने की संभावना हो सकती है कि कांग्रेस भी उनको, अदर पार्टी भी समर्थन देकर सरकार बना सकती है। लेकिन यानी कहने का मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए यह पूर्ण रूप से एक अग्नि परीक्षा है नड्डा जी के लिए, और साथ में, और नड्डा जी के लिए खासियत एक और भी है, हर इंसान का एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर नड्डा जी की खासियत है कि वो RSS और भारतीय जनता पार्टी दोनों के बीच में एक सेतु का काम कर रहे हैं, और सेतु का काम करते आए हैं, अब भी कर रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी में एक चीज देखने को मिली जो पॉजिटिव फैक्टर यहां पर है भारतीय जनता पार्टी का, कि भारतीय जनता पार्टी में किसी भी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है,
सभी इकट्ठा होकर काम कर रहे हैं, सभी लीडर्स काम कर रहे हैं, लेकिन जो जहां पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि मुद्दे, ये मुद्दे क्या हैं, मुद्दों के बारे में अभी भी अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ सोच सके तो हो सकता है कि कुछ ये नड्डा साहब फिर यहाँ पर करिश्मा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके बाद इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन भी पूर्ण अपनी तैयारियों के साथ, पूरे जोर शोर के साथ निष्पक्ष इलेक्शन कराने के लिए वचनबद्ध है, कमर कसी हुई है, अपनी ड्यूटियाँ सभी लग रही हैं और वो ये चाह रहा है कि वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा आए ताकि स्वच्छ लोकतंत्र प्रदान हो सके। कंक्लूजन, अब हम कंक्लूजन की बात करेंगे कि दिल्ली किसकी होगी। दिल्ली हमेशा दिल वालों की रही है, दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है, दिल वालों की रही है, थी, है, रहेगी, लेकिन असली दिल्ली किसकी होगी अब, बीजेपी की के कांग्रेस की के आम आदमी पार्टी की, ये दिल्ली के लोग डिसाइड करेंगे इलेक्शन में, जो इलेक्शन हो रहा है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो जिस सरकार जिसकी भी बने लेकिन एक स्वच्छ लोकतंत्र प्रदान हो। ये मेरी डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा और मेरे कैमरामैन राहुल तिवारी की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।